ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी हाँ जैविक खेती, बीमारियां दे नाल लड़न दे लई हमेशा ही इस नूं सपोर्ट ते प्रमोट किया जाता रहा है। अज के समय के करोना महामारी के चलद भी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने की गल आखी जाती है, स्वच्छ ऑरगेनिक खाने के लिए गल जड़ी कही जाती है, फिर चाहे वह कैंसर की बीमारी ही क्यों ना हो उस लड़न के लिए भी ऑरगेनिक फूड को तरजीह दी जाती है। सो अज तुहानू दिखाने जा रहे हैं लुधियाना के ईसावाल विखे कुछ अजिहे ऑरगेनिक फार्म्स जो कि एक समॉल कम्युनिटी के वलों चलाए जा रहे हैं। ये जो फार्म तुम देख रहे हो ये ईसावाल विखे एक समॉल कम्युनिटी जिसका नाम है माई फैमिली फार्मर वलों चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 40 से 45 परिवार इस ऑरगेनिक फार्म के नाल जुड़े हुए ने ते इत्थे वख-वख तरह की सब्जियां फल जड़े ने बीजे जाते हैं ते किस तरह यह कम्युनिटी जिहड़ी है वर्क करती है, किस तरह लोगों तक लोग जड़े ने इस कम्युनिटी के नाल वॉलंटियर कर सकते हैं, किस तरह ये सब्जियां उन्होंने घर तक पहुँचाइया जांदियां ने ते की उन्हों का मकसद है जो चंगी सेहत के लिए प्रमोट करना ऑरगेनिक फार्मिंग नू, इस दे बारे गलबात करते हैं। सो इस ऑरगेनिक फार्मिंग की शुरुआत अपने बाकी मैंबर्स के नाल मिलकर की गई अमृता मांगड़ जी के वलों। सो उन्होंने गलबात करते हैं किस तरह जहन के विच एक ख्याल आया तो किस तरह यह सफ़र चल रहा है। मैम किस तरह तुहाडे जहन के विच एक ख्याल आया ऑरगेनिक फार्मिंग करन दा ते कदों तो स्टार्ट किया करना? थैंक यू तमन्ना जी, तुसीं इन्ने इंपोर्टेंट टॉपिक ते अज कवरेज कर रहे हो। एक्चुअली ऑरगेनिक फार्मिंग एक हुण नीड ऑफ द आवर हैगी है, बहुत जरूरी है सारे दे लई। असीं सारे मैंबर विपन जी होए, रोहित गुप्ता होए, असी पिछले घट्टो घट 15 सालों तो ऑरगैनिक नाल जुड़े हुए सी और असी हर जगह तो प्रक्योर करते अपने फार्म भी चलाते सी, पर विद सानू पैसेज ऑफ टाइम सानू ये लग्या कि सानू जब तक असी फूड नू अपने कंट्रोल च नहीं लैंदे सानू असी लोकां ते डिपेंडेंट रहांगे। और असी फिर उस तो बाद आइडेंटिफाई कीतियां वो लैंड जिहड़ियां साडे लाइक माइंड मैंबर दियां सी जिथे सानू कोई लीज अमाउंट देना नहीं सी पैंदा, और फॉर्मली असी 2018 दे विच कम्युनिटी फार्मिंग शुरू की ईसेवाल फार्म तो। ईसेवाल फार्म दे विच असी एक्सपैरिमेंट्स किए, उस तो बाद हौली हौली मैंबर जुड़े, पहला साडा 10-15 मैंबर सी और फिर उसे अज तक असी लैंड वधाउंदे गए। हुण साडे कोल 5.5 एकड़ है तो अराउंड 40 मैंबरस ने जिहड़े साडी इस कम्युनिटी दे मैंबरस ने। इहदे विच असी पेमेंट उन्हां तों लैंदे आ एनुअली और उन्हां दे घरां च सब्जियां पहुँचदियां हफ्ते तकरीबन एक फैमिली नूं 40 किलो दे उपर फैमिली जिहड़ी वैरायटी ऑफ वैजीटेबल्स मिल जांदी है। एटलीस्ट सानू पता हुंदा कि जो असी खा रहे हैं साडा खुद दा उगाया होया और वो हेल्दी है, उहदे ते कोई पेस्ट जिहड़ी है पेस्टिसाइड या कैमिकल्स नहीं हैगे। और ये खुशी दी गल है कि असी ये कम्यूनिटी फार्मिंग असी एक एज अ अवेयरनैस चीज़ शुरू की सी और असी चाहुंदे लुधियाने दे विच बहुत इंडस्ट्रीज़ ने, बहुत लोगों को लैंड है, वो ये साडे फार्म नू देखण, तुहाडे जरिए देखण और वो आके सानू पुछण। असी एज अ पेरेंट ग्रुप हर एक कम्यूनिटी के मैंबर जिहड़े बनाउणा चाहुंदे आ फार्म, असी उन्हां दी मदद करन नू तैयार हाँ, नो हॉन देण नू तैयार हाँ, पर साडा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि असी खुद हैल्दी खाइए और असी बाकी लोगों नू भी ये सबक दईए कि वो हैल्दी ही खाण। एफर्ट जरूर लगती है पर वो वर्थ है इस एफर्ट दे। फार्मर कम्युनिटी दे तो हुण साडे नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर रेनू बेरी। मैम सानू ये दसो कि इस फार्म दे विच ऑरगेनिक फार्म दे विच की बीजिया होया? इस वेले जी ऑरगेनिक फार्म दे विच असी गर्मियां दियां सारियां सब्जियां किया, तोरी, लौकी, टमाटर, बैंगन, पड़थे वाले लंबे हरे, भिंडी, पीली जुकीनी, हरी जुकीनी, पालक और मिर्चा 2-3 तरह दियां, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अचारी मिर्च, मतलब कोई भी सब्जी जिहड़ी गर्मियां दे विच असी यूज़ करते हैं, चुलाई दा साग, वह असी सारा कुछ इस वेले बीजा होया। और खास गल है कि जिहड़ी असी सब्जी बीजी है वह असी टाइम दा गैप पा के बीजी है कि 15-15 दिन दे गैप ते एक पर्टिकुलर एरिया दे विच सब्जी बीजी है ताकि सानू आने वाले 4-5 महीने दे विच सब्जी मिलती रहे। एक बारी एक चो मिलेगी, अगले टाइम हर मतलब डिफरेंट टाइम पर सब्जियां जिहड़ियां वो पक्कनगियां। सर जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं इस ऑरगेनिक फार्मिंग के नाल बिकॉज बहुत एक वधिया तुसीं उपराला कर रहे हो तो किस तरह लोग वॉलंटियर कर सकते ते जुड़ सकते हैं? इट्स अ ओपन, मतलब कि कोई सेशन, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जिन्ने जी 40 दी 40 फैमिलीज जिहड़े हैं उन्होंने मैंबरस किसी वेले भी आके तो सानू असिस्ट कर सकते हैं। है जी, मेन आस्पेक्ट तो ये है कि साढ़े 5 फार्म के हेल्पर्स है, छठा एक बंदा जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लई है। ठीक है जी, असी उन्होंने मतलब कि सारी चीज़ दसनी है, वट्सएप ग्रुप बनया उन्होंने पहले ही कॉन्फर कर देंगे, एलोकेट कर देंगे कि तुम इतने ये करना, यह करना, इदा करना। बाकी फार्म से आना जरूरी हो जाता ताकि असी देख सकी, इंस्पैक्ट कर सकी, कितने सानू
फीडबैक जी पता लगे वो बेस से उन चीज़ में। मेरे फार्म तो इलावा मैं एक स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी की है। मैं कोई 5000 पौधा लाया सी जी, उस असी कोई 1200-1400 किलो स्ट्रॉबेरी वो मतलब कि वो लई है। वो स्ट्रॉबेरी जी है असी आपस सारे ग्रुप्स में डिवाइड की है। साडा जिहड़ा मॉडल है ये कल्ला अज तक ने बिलीव किया जाता है कि ऑरगैनिक फूड प्रक्योर करना और खाना बहुत महंगा पैंदा है, लेकिन असी अपना 3-4 साल तो जिहड़ा एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं और असी इस कॉन्कलूजन ते हैं कि यह मॉडल रादर सस्ता पैंदा है। मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदा कि साडी जिहड़ी एवरेज कॉस्ट है असी 40 फैमिलीज ते बेस करके हले कढ़ी है, वो 30,000 पर ईयर के करीब आ रही है, जिंदे विच असी उन्हां नूं होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, जिहदे विचों लगभग 6,000 रुपया असी डिलीवरीज से काउंट करते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट आ रही है। मीनस 24,000 रुपया साल का उन्होंने मंथली डिवीजन करो तो 2,000 रुपये की वैजीटेबल असी लगभग पहुँचा पा रहे हैं। 2,000 के मैंबरस में 40-50 किलो उन्होंने एवरेज वैजीटेबल उन्होंने घर पहुँच रही है। इनू असी जे अपने होम किचन गार्डन असी खुद असी करते हैं, मान लो असी 300-400 गज करते हैं, साड़ी मिनीमम कॉस्टिंग जी 10-12,000 रुपये चल जाती सी। असी मैंबरस में यह डिस्कस किया, असी यह फाइंड सानू लभ्या कि जेडे मैंबरस अपने घर च भी किचन गार्डनिंग कर रहे हैं वो उन्हों किचन गार्डन छड़ के साडे गार्डन के नाल आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हों इकोनमी भी वो पै रही है। और दूसरी गल है कि नाल लर्निंग भी मिल जाती है भी वो अज असी अपने परसनल किचन गार्डन कुछ कर रहे हैं, सानू कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो असी कोई एक्सपर्ट की एडवाइस जल्दी जल्दी नहीं ले पाते। इतने असी एक एक्सपर्ट असी नाल अपने हायर किया, वो सानू मंथली विजिट्स दे देंगे तो असी उन्हों सीखते भी हैं, असी टाइमली वर्कशॉप्स ला के असी उहदे नाल करते हैं। सो वी फील करते हैं कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, सानू ऑरगैनिक वेजिटेबल्स भी मिल रही और इकोनॉमी भी साढ़े इस मॉडल आ रही है। सो बिल्कुल जिद्दां कि तुसीं सुनिया कि इनसैक्टीसाइड पेस्टिसाइड रहित ये सब्जियां जिहड़ियां ने ऑरगैनिक तरीके दे नाल बेहद ही साफ स्वच्छ बिना किसी कैमिकल तो सेहत दे लई वधिया जिहड़ी है सिद्ध साबित हुंदियां ने। सो इन्हां दा सेवन करके लम्मी ते स्वस्थ जिंदगी जिहड़ा इंसान जी सकदा। सो इन्हां दा भी यही मकसद है कि लुधियानवियां नूं इस चीज़ तो जागरूक करवाना ता कि एक वधिया चंगी सेहत दे नाल लोग जिहड़ा अपनी जिंदगी नूं जी सकन, रादर कैमिकल दे बेस जिहड़ियां सब्जियां ने उन्हां दा सेवन ना किया जाए। कैमरामैन हरजीत काका नाल तमन्ना बेदी दा समर न्यूज़ लुधियाना। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।